ये है चनाब पुल के आर्च का आखिरी हिस्सा, इसको उठा लिया गया है। देखिए किस तरीके से ऊपर उठाया गया है, एक ऊंची सी क्रेन है जिसमें उठाया गया है, और इसको अब धीरे धीरे करके आर्च ब्रिज पर ले जाया जा रहा है। और ये अपने आप में एक हम कह सकते हैं अलग दृश्य है। देखिए किस तरीके से ले जाया जा रहा है, एक खास तरीके की लिफ्ट है, ये लिफ्ट एकदम खास है। देखिए किस तरीके से इसको वहाँ पर पहुँचाया जाएगा, बड़े धीरे धीरे तरीके से इसको खिसका कर वहाँ पर ले जाया जा रहा है। और ये बड़ा कठिन काम है, आसान नहीं है। अगर हम इस काम की बात करें तो ये आसान नहीं है, क्योंकि ये आसान होता तो बड़ी जल्दी हो जाता। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक लंबे इंतज़ार के बाद ये टुकड़ा जा रहा है। ये आखिरी टुकड़ा है, मतलब ये आर्च का आखिरी टुकड़ा है जिसको रखा जाएगा। और कुछ खासियत बताना चाहेंगे हम इस पुल की, क्यों हम आपको ये दिखा रहे हैं, क्योंकि इस पुल की जब हम बात करते हैं तो दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेल ब्रिज है, सबसे ऊंचा आर्च रेल ब्रिज यहाँ पर बन रहा है। 359 मीटर जिसकी ऊंचाई है चेनाब नदी के तल से। और इस पर जो ये आर्च बन रहा है, इसके ऊपर एक और हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, और वो स्ट्रक्चर अपने आप में अलग होगा, क्योंकि 1315 मीटर की लंबाई वाला ये पुल होगा। 1315 मीटर की लंबाई वाला ये पुल, जैसा कि पुल का काम होता है कि दो जगहों को जोड़ना, तो जोड़ने का काम करता है पुल। ये पुल जो है हम कह सकते हैं कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने का काम करेगा। और इस पर लगातार काम किया जा रहा था, और एक ऐतिहासिक क्षण आया है, एक ऐसा मकाम आया है जिसको हासिल करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये टुकड़ा कहाँ पहुँच चुका है, धीरे धीरे करके इसका मूवमेंट है, और ये मूवमेंट अपने आप में जबरदस्त है, जोरदार है, ये जोरदार है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। इसको आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आगे जा रहा है। और यहाँ पर चेनाब पुल का जो काम है, हम कह सकते हैं कि इसके आर्च का काम अंतिम क्षण में है, यानी अंतिम चरण में है। ये जबरदस्त है, जोरदार है। और कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर लंबे समय से इंतज़ार कर रहा है कि ये पुल कंप्लीट हो, ये पूरा हो। कहीं ना कहीं इसका इंतज़ार किया जा रहा है। 111 किलोमीटर लंबी लाइन पर काम चल रहा है कटरा बनिहाल के बीच में, जिसका हम कह सकते हैं 98 किलोमीटर लंबा हिस्सा टनल्स के बीच से होकर जा रहा है। तो टनल के बीच से वो हिस्सा जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से केबल क्रेन द्वारा क्लोजर सेगमेंट की लॉन्चिंग की जा रही है। और ये टेक्निकल काम है, और जो क्लोजिंग सेगमेंट है जिसका नाम WT28 है, उस हिस्से को अब लगाया जा रहा है। यहाँ नीचे फाउंडेशन आप देख सकते हैं कि किस तरीके की जबरदस्त फाउंडेशन है, और ये फाउंडेशन अपने आप में खास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोजर सेगमेंट का हिस्सा और आगे बढ़ता चला जा रहा है, लगातार इसमें मूवमेंट है। इस मूवमेंट को आप देख सकते हैं, ये मूवमेंट कहीं ना कहीं दिखाता है कि देश में विकास की गति कैसी है, किस तरीके से ये प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में जबरदस्त क्रिएट किया जा रहा है। जब उन इलाकों की हम बात करें जहां पर ये सारी की सारी जगहें जो कश्मीर वैली को सीधा सीधा कटरा से कनेक्ट करेंगी, अगर हम उसकी बात करें तो संगलदान का इलाका है, रियासी का इलाका है, तो वो सारी जगहें कनेक्ट होंगी। और यहाँ आप देख सकते हैं अब और आगे पहुँच चुका है ये, और ये लगातार मूवमेंट, आप कंटिन्यूस मूवमेंट देख सकते हैं। ये मूवमेंट है, और ये ऐसा मूवमेंट है जिसको यहाँ पर देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ पर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, वो सारे लोग इसको देखना चाह रहे हैं, इसको अपने कैमरे में कैप्चर करना चाह रहे हैं। देखिए किस तरीके से मोबाइल में वो कैप्चर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक लम्हा है जिसको अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं ये लोग। और यहाँ पर मैं फिर से दिखाऊंगा कि धीरे धीरे बिल्कुल वहीं पर पहुँच रहा है जहाँ पर इसको जाना है। यह पुल 1315 मीटर लंबा बनाया जा रहा है। यह नदी तल के स्तर से 359 मीटर ऊपर होने वाला दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। यह पेरिस में जो एफिल टावर है उससे 35 मीटर
ऊंचा होगा। इस पुल की कुछ और खासियत है, 266 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा की रफ्तार का सामना करने के लिए इस पुल को बनाया गया है। यहां पर जो सेगमेंट है उसको किस तरीके से मूवमेंट किया जा रहा है वो आप देख सकते हैं, और ये लगातार काम किया जा रहा है। और भारत में पहली बार डीआरडीओ के परामर्श से ब्लास्ट लोड के लिए इस पुल को बनाया गया है। और हम एक और चीज आपको बता सकते हैं कि इसमें जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये इस क्राउन पीस बोला जाता है, क्राउन पीस है, और ये जब ऊपर रख दिया जाएगा उसके बाद ये पुल काफी स्टेबल हो जाता है। और एक और चीज है, जो भारतीय रेलवे ने पहली बार वेल्डिंग की जांच के लिए यहां पर सिस्टमैटिक ढंग से अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया है। और यहां फिर से देखिए किस तरीके से ये पूरा मूवमेंट हो रहा है, और वहां जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप देख सकते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि ऊपर का हिस्सा कैसे नीचे आए, और लगातार प्रिसाइज तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। ये मूवमेंट देखिए किस तरीके से धीरे धीरे करके ये अंतिम सेगमेंट नीचे आ रहा है। और एक और बड़ी चीज है, अगर अलग अलग दुनिया के देशों की बात करें तो सबका कंट्रीब्यूशन है इसमें। और यहां पर जो काम है इसको फिर से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसका काम चल रहा है, और लगातार इस पर नजर रखी जा रही है, दुनिया भर के लोग इस पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि इसमें दुनिया की अलग अलग एजेंसीज ने जो है इसमें सहयोग दिया है। इस पुल को डिजाइन किया गया है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ट्रेनों को चलाने के लिए। और यहां मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये अंतिम हिस्सा नीचे रखा जा रहा है, और बड़ा स्लो मूवमेंट है, धीरे धीरे करके इसको रखा जा रहा है। ये क्लोजिंग की जा रही है आर्च की, और ये खास तरीके का टेक्निकल काम है। आपने पुराने जमाने के मेहराबदार स्ट्रक्चर देखे होंगे ये, लेकिन मेहराब या आर्च जो है वो स्टील का आर्च है, खास तरीके की स्टील है, जिसको डीआरडीओ ने मुहर लगाई है कि हाँ इसी तरीके का स्टील इस्तेमाल किया जाए, और इस पुल को खास तरीके के पेंट से हम कह सकते हैं रंगा गया है, जिससे इसमें क्रोजन ना के बराबर हो, क्योंकि जिस जगह पर है वो जगह हम कह सकते हैं कि मौसम के लिहाज से काफी जबरदस्त है, क्योंकि वहां तेज हवाएं चलती हैं, साथ ही साथ तापमान काफी नीचे चले जाते हैं, तापमान काफी ऊपर भी जाते हैं, तो ये दोनों चीजें इंजन का संयोजन काफी जरूरी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा काम चल रहा है, और जो क्लोजिंग है वो बड़ा स्मूथली चल रही है अभी तक। अब जब हम इस पुल की बात करते हैं तो इस इलाके में है जिसको कश्मीर का वो हिस्सा जिसको सिस्मिक जोन 5 में माना जाता है, जो सिस्मिक जोन 5 में है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा भूकंप हम कह सकते हैं आने की आशंका लगातार जाहिर की जा रही थी। और यहाँ देखिए फिर उसको धीरे धीरे करके नीचे लाया जा रहा है, आप देखिए किस तरीके से उसको नीचे रखा जा रहा है, खामोशी से देखिए क्या हो रहा है। ये हिस्सा धीरे धीरे करके नीचे लाया जा रहा है, ये नीचे अब इसको एक प्रोसीजन के साथ नीचे बैठाया जाएगा, और अंदर जो कंट्रोल रूम है वहां से इसको कंट्रोल किया जा रहा है, यानी ये लिफ्ट दूर से कंट्रोल की जा रही है कि किस तरीके से इसको कंट्रोल करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके इसको नीचे पहुँचाया जा रहा है। चेनाब नदी नीचे खामोशी से बह रही है, चेनाब नदी इस क्षण को खामोशी से देख रही है, तो वहीं बहुत से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो क्लोजिंग सेगमेंट है या क्राउन पीस है उसको रखा जाए, और बड़ा धीरे धीरे करके इसको नीचे लाया जा रहा है। और आप यहां देख सकते हैं कि किस तरीके से क्लोजिंग पीस के ऊपर गुब्बारे सजाए गए हैं, रंग बिरंगे तिरंगे गुब्बारे हैं। तो यहां अब इस पुल को हम कह सकते हैं इसका आर्च जो है पूरा किया जा रहा है, लगातार इस पर काम चल रहा था। और मैं आपको बता दूं कि इसमें कई चीज़ों को हमने किया है, जब इसकी शुरुआत हुई थी तब मैं यहाँ पर आया था, जब इसकी फाउंडेशन रखी गई थी, फाउंडेशन के बाद जब आर्च पर काम शुरू हुआ तब उसको हमने आपको दिखाया था, और आज जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नीचे रखा जा रहा है, ये हिस्सा यानी आखिरी हिस्सा है जिसको रखा जा रहा है,
अलग अलग इसमें सेगमेंट हैं जिनको पूरा किया जा रहा है, और ख़ास तरीके की स्टील का बना हुआ ये पुल है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, कई लोगों को इस पुल के ऊपर चढ़ाया गया है, जो वहाँ पर जब ये पुल कंप्लीट यानी आर्च इसका कंप्लीट होगा तब वो गुब्बारे छोड़ेंगे, यानी तिरंगे गुब्बारे छोड़े जाएंगे। तो यहाँ पर इस इलाके में काम करना आसान नहीं है, और हम कह सकते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर अलग अलग एजेंसीज काम कर रही हैं। जैसे कोंकण रेलवे की बात करें तो कोंकण रेलवे यहाँ पर काम कर रही है, साथ ही साथ USBRL के कई इंजीनियर्स हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इस तरीके से ये एक बहुत महत्वपूर्ण लम्हा है, हम कह सकते हैं देश के लिए, साथ ही साथ USBRL के लिए। USBRL के लिए इसलिए क्योंकि ये पुल काफ़ी टफ माना जा रहा था, कई बार डेडलाइंस बदली हैं, और कई बार ऐसा हुआ है कि बार बार बताया गया है कि ये डेडलाइन आगे है और आगे है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं। और इस पुल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हर चीज़ का ध्यान रखा गया है, तेज़ हवाएं चलती हैं उनका ध्यान रखा गया है। जो स्टील है हम कह सकते हैं यहाँ टेम्परेचर माइनस में जाता है, और अगर अपर लिमिट में जाएँ तो 40 डिग्री तक चला जाता है, लोअर लिमिट में जाएँ तो -10 तक जो है टेम्परेचर जाते हैं। क्योंकि यहाँ इस इलाके में जहाँ पर ये पुल बनाया जा रहा है वो चेनाब की घाटी है, और तेज़ हवाएं चलती हैं, और चेनाब की अगर हम बात करें तो चेनाब जो है एक अपने आप में ज़बरदस्त नदी है। और ये देखिए किस तरीके से उसको और नीचे ले आया गया है, तो ये नीचे पहुँच चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको पूरा किया जा रहा है। और हम दिखा रहे हैं कि जूम इन करके दिखा रहे हैं कि क्या किस तरीके से इसको कंप्लीट किया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से इसको पूरा किया जा रहा है, और इसका लगातार प्रसारण किया जा रहा है पूरी दुनिया में। और ये देखिए किस तरीके से इसको नीचे ले जाया जा रहा है, इस आखिरी हिस्से को हम आपको दिखा रहे हैं, आर्च के आखिरी हिस्से को पूरा किया जा रहा है। अपने आप में ये अनोखा है, अलग है, डिफरेंट है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है ये डिफरेंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको पूरा किया जा रहा है। ये पुल का आखिरी हिस्सा यानी आर्च का आखिरी हिस्सा रखा जा रहा है। अभी अगर हम इस पूरे के पूरे पुल की बात करें तो तमाम इसमें टेक्निकल पॉइंट्स हैं, अगर उसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर फैब्रिकेशन की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि 28,595 मीट्रिक टन स्टील का फैब्रिकेशन किया गया है। पूरा अगर जब हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें की गई हैं आर्च की बात करें तो आर्च में 10,619 मीट्रिक टन स्टील लगा हुआ है, तो ये भी एक डिफरेंट बात है। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं भारतीय रेलवे कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए ये पुल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब इसको लोअर डाउन किया जा रहा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से नीचे किया जा रहा है, तो ये पुल का आखिरी हिस्सा नीचे रखा जा रहा है, मतलब आर्च का एक आखिरी हिस्सा है, मतलब ये आर्च कंप्लीट किया जा रहा था लंबे समय से और अब ये पूरा होने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे बड़े देर से मैं दिखा रहा हूँ ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि परेशानी ये है कि इसमें अपने सही जगह पर रखा जाना है, ये नहीं है कि कहीं भी रख दीजिए आप इसको। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको यहाँ रखा जा रहा है, और ये नीचे धीरे 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 करके लोअर डाउन किया जा रहा है, और कैलकुलेटेड वे में, क्योंकि पूरे प्रोसीजर के साथ ये चीज़ें होनी हैं। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक बड़ा काम हो रहा है, ये बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है, क्योंकि इस इलाके की अगर हम बात करते हैं तो ये इलाका कहीं ना कहीं सुदूर इलाका है, मतलब मेन इलाके से इसका जुड़ाव कम था। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब रेलवे किसी इलाके में काम करती है तो वहाँ पर रोड बनाई जाती हैं, साथ ही साथ कनेक्टिंग रोड बनाने की वजह से इलाके का डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ निश्चित तौर पर डेवलपमेंट हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आखिरी हिस्सा अब नीचे रखा जा रहा है, तो यहाँ ये जल्द ही नीचे रख दिया जाएगा, और इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं लगातार।
और ये खास काम है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जब इसको रख दिया जाएगा तो ये आर्च पूरा हो जाएगा। अंतिम सेगमेंट की लॉन्चिंग का काम चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े केबल्स लगाए गए हैं, स्टे केबल्स हैं जिनका उपयोग किया गया है इस पूरे आर्च को थामे रखने के लिए। यहाँ जो ऊपर तार दिख रहे हैं ये केबल क्रेन के हैं। यहाँ पर आर्च को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संभाला गया है, बड़े बड़े स्टे केबल्स लगाए गए हैं, ये भारी भरकम केबल्स हैं, ये हम कह सकते हैं लोहे के रस्से हैं जिनसे पूरे के पूरे आर्च को संभाला गया है। ये देखिए किस तरीके से जुड़े हुए हैं, आर्च को पकड़े हुए हैं, लेकिन अंतिम हिस्सा रखे जाने के साथ ही ये पूरा का पूरा जो आर्च है वो स्टेबल हो जाएगा। यानी इन रस्सों की या इन जो लोहे के रस्से हैं इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी और इन स्टे केबल्स को हटा दिया जाएगा और ये काफी स्टेबल हो जाएगा। और उसके बाद शुरू होगा इसके ऊपर का काम। कैमरामैन जमाल अफरोज खान के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन रियासी।